भाजपा कार्य समिति सदस्य ने केंद्रीय व प्रभारी मंत्री से कार्रवाई कराने की बात कही। देश के प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन योजना को जिम्मेदारों के द्वारा फलीता लगाया जा रहा है। एक मामला श्योपुर जनपद की ग्राम पंचायत उतनवाड़ में देखने को मिला, जहां पर जल जीवन मिशन योजना को पीएचई विभाग लगभग 2 से 3 वर्षो में आज तक दिनांक को मूर्त रूप देने में विफल रहा। अब इसे विनम्रता कहें या दुर्भाग्य कि जिस स्थान पर जल जीवन मिशन योजना का क्रियान्वयन पीएचई विभाग के द्वारा किया जा रहा है, उस स्थान पर पानी की टंकी पास ही स्थित स्कूल के बच्चों की तक प्यास नहीं बुझा पा रही है। स्थिति यह है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने की बात तो दूर, योजना के तहत पानी बनी टंकी के पास स्कूल के बच्चों की प्यास तक नहीं बुझ पा रही है। सच कहें तो जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकी से हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाने के लिए बिछाई गई पाइपलाइन पूरी तरीके से टूट गई है और पीएचई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार घटिया कार्य के चलते जल जीवन मिशन योजना का लाभ ग्रामवासियों को नहीं मिल पा रहा है। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योजना को लेकर कई बार सख्त हिदायत दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी पीएचई विभाग के आला अधिकारियों को कोई डर नहीं है। वहीं आपको बता दें कि पीएचई विभाग के ईबीएस अचाले एसडीओ वर्मा और उपयंत्री नागर से फास्ट समाचार की मीडिया ने जब बात करना चाहिए तो ईएसडीओ व उपयंत्री योजना नागर से बात करता कतराते नजर आए। वहीं इतना ही नहीं, पीएचई विभाग के एसडीओ वर्मा ने तो ये तक कह दिया कि ये योजना जल जीवन मिशन की है, तो नल जल योजना के तहत ऐसे में पीएचई विभाग के अधिकारियों से कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि इसे ठीक से अंजाम दें। वहीं भाजपा कार्य समिति सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया के द्वारा मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को अवगत कराने की बात कहते हुए पीएचई विभाग व कार्यरत एजेंसियों पर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं पंचायत द्वारा बताया गया कि पंचायत को योजना को हैंडओवर नहीं किया गया है, जबकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि योजना पंचायत को हैंडओवर कर दी गई है, या फिर अब देखने वाली बात होगी कि आखिर योजना को संचालित पंचायत करेगी या फिर पीएचई विभाग, और देखना होगा कि पीएचई विभाग के ईएसडीओ व उपयंत्री का इस पर क्या कहना है। पीएचई विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायत उतनवाड़ में पानी की टंकी के निर्माण के साथ ही घर घर शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई, मगर घटिया कार्य के चलते हुए पंचायत के लोगों को आज दिनांक तक पीने का पानी नहीं मिला। यही कारण रहे हैं जहां पीएचई विभाग द्वारा पंचायत ने योजना को हैंडओवर नहीं किया है। अगर पीएचई विभाग पानी की टंकी पाइपलाइन को सुचारू रूप से चालू करके घर घर तक पानी पहुंचा के देता है तो पंचायत हैंडओवर करने के लिए तैयार है। निर्माण कार्य हुआ तब से लेकर आज दिनांक तक नल जल योजना पीएचई विभाग के अंडर में है और पंचायत ने उसे अभी तक हैंडओवर नहीं किया है। उनसे वास्तविक बात उनको मालूम है, ये मेरे आने से पहले योजना ये हो चुकी ठीक है, आपके आने से पहले योजना। हाँ, वो मैं तो अभी बाद में आया समझ लो, इससे पहले श्रीवास्तव थे यहाँ बैठे श्रीवास्तव। हाँ, अब कुल मिला के उसमें नागर साहब ने नहीं आते ना, नागर साहब को देना चाहिए। आज भी शिवपुर विकास कर उसी के पास है, नागर साहब से पूछ लेते हैं अगर दे देते तो। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत जो आप उचित समझे वो दे दो। ठीक है ना, ठीक है सर। उतनवाड़ नल जल योजना को लेकर एक वर्जन चाहिए था, एक वर्जन चाहिए था आपका। एसडीओ साहब कह रहे हैं नागर साहब देंगे, नागर साहब कह रहे हैं कि एसडीओ साहब देंगे, बड़े साहब कह रहे हैं कि नागर साहब देंगे, समझ में नहीं आ रही बात है। पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, वो तो वही वाली बात है ना। जो योजना हैंडेड ओवर है उनकी है, कोई जल जीवन मिशन की योजना थोड़ी है, ये मुख्यमंत्री वाली योजना है। वही कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री वाली योजना है ना, जल जीवन मिशन की थोड़ी है योजना। और सबका काम हुआ रखा है, उसके बाद बाढ़ में टूट गए वो, हम सब नीचे पड़े थे, उसके बाद इनने 35,000 अपनी जेब से लगा के चालू कराई, इनने खुद ने सरपंच तो वो था गिरिराज। नहीं वही बात है ना भाई, कोई भी वर्जन दे दो, या तो नागर साहब दे दो, वैष्णो भी दे, आप दे दो, या वो दे दो, आप तीनों ये कह रहे हो कि वो देंगे, ये देंगे, वो देंगे,
बर्जन खबर में लगता है साहब, बिना खबर बर्जन के खबर थोड़ी चला देंगे हम। बगैर बर्जन के बनमान खबरें चल रही है, फलाने का बर्जन झूठे छाप देते हैं। नहीं झूठे कैसे छाप देंगे बर्जन, नहीं कैसे कैसे छाप देंगे, हमारे यहाँ वो नहीं होता ना, हमारे यहाँ तो बर्जन लेके ही खबर चलती है, बिना बर्जन के खबर हम चलाते नहीं। सरपंच से लेते ना बर्जन, वो कहता है मेरी योजना बंद है, इतने दिन से बंद है, चल नहीं रही है कुछ तो नहीं, ग्रामीणों का वर्जन है ना ऐसे, तो जो वास्तविकता हितग्राही है और वह मौके पे जाके दिया, मौके पे जाके लिया गया वर्जन, वो चीज़ है ना, मौके पे जाकर जब मुआयना किया गया है तभी आपसे वर्जन वर्जन के लिए बंद पड़ी है योजना, बिल्कुल वही वाली चीज़ है ना, तो आपसे वही कह दो ना आप तक जो भी है वर्जन, नहीं तो आप वर्जन दे दो ना, थोड़ा सा वर्जन ही तो देना है कि भाई हमने तो हैंडओवर कर दिए पंचायत को, पंचायत की जिम्मेवारी है, आप ऐसा बोलो। हाँ वही कह रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नल जल योजना और को लेकर के श्योपुर जिले के गांव-गांव में घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचाने के लिए योजना सरकार ने प्रारंभ की थी, लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि पीएचई विभाग द्वारा अभी तक ग्राम उतनवाड़ में नल जल योजना 3 वर्ष गुजर जाने के बाद भी सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई, जिसको लेकर ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप भाजपा के प्रदेश कार्यकारी सदस्य हैं, आप इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के अथक प्रयासों से हर घर को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो, इसको लेकर हर घर जल की योजना बनी और ये श्योपुर जिले में भी इसको लागू किया गया, लेकिन देखने को ये आ रहा है कि ये पीएचई के द्वारा जो कार्य एजेंसियां बनाई गई उनके द्वारा कार्य करना पूर्ण बता दिया गया, लेकिन ग्राम पंचायतों में अभी भी, चाहे आप उत्तरमाड़ की बात करें, चाहे दलाना की बात करें, चाहे सोई कला की या डोडर की, मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी नल जल योजना अभी तक ये पूर्ण बता रहे हैं उसमें से आधे को भी ग्राम पंचायतों ने अपने एंडओवर नहीं किया। इनका कहना है कि ये किया है, लेकिन ये जो आपस का ग्राम पंचायत और पीएचई का जो आपस का विवाद है या जो एक जिस तरह का भी इनका एग्रीमेंट है प्रशासन और शासन इन एजेंसियों के बीच, एक क्रियान्वयन ठीक से नहीं हुआ, इस कारण से लोगों को उसका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, इसके लिए प्रथम दृष्टि से दोषी पीएचई विभाग के अंतर्गत जो कॉन्ट्रेक्टर काम कर रहे हैं उनकी जवाबदारी बनती है कि जब तक वो लिखित प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत से प्राप्त नहीं कर लेते तो उन्होंने इनको अपने इस योजना को अपने एंडओवर कर लिया, तब तक वो दोषी है। और जहाँ ये पूर्ण नहीं, ऐसी सभी एजेंसियों के ऐसे सभी एजेंसियों पर जहाँ जहाँ भी ये कार्य कर रही है ग्राम पंचायत ने प्रमाण पत्र नहीं दिया, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मैं मांग हमारे लोकप्रिय सांसद नरेंद्र सिंह जी तोमर की समझ भी रखूँगा, और प्रभारी मंत्री जब इस समय प्रवास पर आएंगे उनसे भी चर्चा करके ऐसे कई स्थानों को दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि वो स्वयं इस योजना का जिस तरह से धरातल पर क्रियान्वयन हो रहा है वो स्वयं देख सकें।